दुनिया में ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां की जनता वहां की सरकार के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे में एक देश है उत्तर कोरिया, जिसके कानून बेहद ही अजीबोगरीब हैं। ऐसे कानूनों के कारण वहां के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उस देश के कानून शायद ही आपको पता हो। आज हम आपको उत्तर कोरिया के ऐसे ही कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर वन, इस देश में कोई भी नागरिक नीली जींस नहीं पहन सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि वो अमेरिकी पहनावा है और इस देश का तानाशाह अमेरिका से सख्त नफरत करता है। नंबर दो, इस देश का एक कानून ये भी है कि कोई भी आम नागरिक उत्तर कोरिया में कार नहीं खरीद सकता। कार खरीदने की अनुमति केवल सेना और सरकार के अधिकारियों को है। नंबर तीन, उत्तर कोरिया में गरीबों की तस्वीर लेना अपराध है, क्योंकि यहाँ की सरकार का कहना है इससे देश की छवि खराब हो सकती है। नंबर चार, यहाँ के इतिहास की किताबों में केवल किम जोंग वन और किम जोंग टू की कथाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। नंबर पाँच, यहाँ के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी इशारों में वाहन को कंट्रोल करते हैं। नंबर सेवन, पूरी दुनिया में अभी 2022 चल रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया में साल 110 चल रहा है। इसके पीछे बेहद ही दिलचस्प कारण है। दरअसल इस देश का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग है। ये कैलेंडर इस देश ने पूर्व तानाशाह किम इल सुंग की जन्मदिन 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। नंबर सेवन, इस देश में केवल 3 टीवी चैनल है। 2 चैनलों में तो साप्ताहिक कार्यक्रम आते हैं, 1 पर केवल धारावाहिक। यहाँ लोग केवल वही चीज देख सकते हैं जो यहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। नंबर 8, इस देश में चुनाव होते हैं मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। ये बात बेहद ही रोचक है कि एक ही परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होते हैं। नंबर 9, ये दुनिया का शायद पहला देश है जहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा का नियम है। ये देश की वो हकीकत है जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। नंबर 10, अपने देश में तो आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, पर नॉर्थ कोरिया की जनता को सिर्फ 28 वेबसाइट को यूज करने की आजादी है। यहाँ के इंटरनेट को ब्राइट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं। साथ ही किसी को अगर कंप्यूटर्स खरीदने हैं तो फिर उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस देश में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियाई भाषा में इंटरनेट उपलब्ध कराती है। यहाँ केवल 605 लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 11, इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का हेयर स्टाइल नहीं कटवा सकता। यहाँ पुरुष सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रख सकते हैं। सरकार की तरफ से मंजूरी हासिल हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखता है तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है, मगर महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे रखने होंगे। नंबर 12, इस देश में किसी भी धर्म को मानना कानूनन अपराध है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।